हेलो एवरीवन, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के लेक्चर्स में आज हम देखेंगे स्विचिंग मेथड्स के बारे में। तो बेसिकली तीन डिफरेंट टाइप के स्विचिंग मेथड्स हैं जो हम पढ़ेंगे, इसमें सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सो इन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि स्विचिंग होती क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, स्विचिंग सेंड्स द डाटा अलॉन्ग डिफरेंट रूट्स, कि जो डेटा है आपका, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको अलग अलग रूट्स के ऊपर भेजने का एक जो प्रोसेस है उसको हम स्विचिंग कहते हैं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, स्विचिंग इज ए प्रोसेस टू फॉरवर्ड पैकेट्स। सो स्विचिंग को आप ऐसे भी कह सकते हो दैट इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग पैकेट्स कमिंग From one port to another port. या फिर ये भी सिंपल कह सकते हैं कि सोर्स डेस्टिनेशन की तरफ अगर हम पैकेट्स को भेजें तो वो स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, सो अब देखो इसमें होता क्या है कि हम स्विचिंग को ब्रॉडली दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जो पूरी स्विचिंग है आपकी वो बेसिकली दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक होती है कनेक्शन लेस और एक होती है कनेक्शन ओरिएंटेड। तो जो कनेक्शन लेस होता है उसमें हैंडशेक नहीं होता, प्रायर कनेक्शन नहीं बनता मैसेज को या पैकेट्स को भेजने से पहले। जबकि जो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है उसमें हम एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, प्री इस्टेब्लिश सर्किट होता है और जिसके ऊपर हम अपने डाटा को या पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं। सो बेसिकली दो टाइप की स्विचिंग होगी, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ स्विचिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्किट स्विचिंग के बारे में। नाउ इट इज़ अ ट्रांसमिशन मोड दैट इन्वॉल्व सेटिंग अप अ डेडिकेटेड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो जहाँ पे भी डेडिकेटेड एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे हम कह सकते हैं दैट इट इज़ अ सर्किट स्विचिंग। और ये कॉमनली कहाँ पे यूज़ होती है, टेलीफोन सिस्टम्स के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। इसका मतलब सर्किट स्विचिंग में एक प्री इस्टेब्लिश रूट हम या प्री इस्टेब्लिश सर्किट हम इस्टेब्लिश करते हैं, रेडी करते हैं और उसके इस्टेब्लिश होने के बाद ही डाटा उसके ऊपर फ्लो होता है। अब क्योंकि ये डेडिकेटेड है तो कोई भी डिले नहीं होता, सो देर इज़ नो डिले इन डेटा फ्लो। बट इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है, अब क्योंकि डेडिकेटेड सर्किट है तो जो लिंक, जो सर्किट आपने इस्टेब्लिश किया है दैट कैन नॉट बी यूज टू सेंड एनी अदर डाटा इवन व्हेन इट इज़ फ्री। जैसे कि अगर आप टेलीफोन सिस्टम के ऊपर किसी से बात कर रहे हो और आप दो मिनट के लिए कुछ भी मत बोलो, चुप रहो, तब भी ऐसा नहीं होता ना कि कोई तीसरा आपके उस पर्टिकुलर टाइम को यूज़ कर लेगा, किसी और से बात कर लेगा। सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज कि जो लिंक होता है दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू सेंड एनी अदर डाटा इवन व्हेन इट इज़ फ्री। और इसी की वजह से क्या होता है, हमें ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है क्योंकि जो लिंक है वो डेडिकेटेड है और एक बार में एक ही कम्युनिकेशन को कर सकता है, एक ही डाटा को भेज सकता है। एंड द वन मोर डिसएडवांटेज इज कनेक्शन एस्टेब्लिश टाइम इज मोर। ठीक है, सो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सर्किट स्विचिंग के, और एडवांटेजेस भी देख लिए हमने और इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लिए। अब इसमें जो सर्किट होता है ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, इसमें एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि जो एप्लीकेशन सर्किट स्विचिंग को यूज़ करेंगी उसको इन तीन फेजेस से जाना पड़ता है, इन तीन फेजेस को यूज़ करना पड़ता है। अब क्योंकि देखो कनेक्शन ओरिएंटेड है तो सबसे पहला फेज क्या है, सर्किट एस्टेब्लिशमेंट। कि भाई सबसे पहले तो सर्किट को एस्टेब्लिश करना है। तो देखो डायग्राम की मदद से हम बनाते हैं। सपोज यहाँ पे एक सिस्टम है मेरे पास ए, एक सिस्टम है मेरे पास बी, और यहाँ पे हमारे पास पूरा कम्युनिकेशन
मीडियम है। देन एक सिस्टम है हमारे पास यहाँ पे सी, एंड वन मोर सिस्टम इज देयर डी, और हम कह रहे हैं कि ए को डी से कम्युनिकेशन करना है। सो ए वांट्स टू सेंड डेटा टू डी, ए को कुछ डेटा डी तक पहुंचाना है। तो सबसे पहला काम तो क्या है, ए एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। सो बीच में यहाँ पे स्विचिंग पॉइंट्स होते हैं, स्विचिंग टर्मिनल्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं कुछ टर्मिनल्स को क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, सो इस तरह से हमारा कुछ ये टर्मिनल है, सेटअप है। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा कि एक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, मतलब ए ये डिसाइड करेगा कि मैं किस रूट से डाटा भेजूंगा। तो सपोज रूट ये डिसाइड हुआ यहाँ से यहाँ पे, देन दिस, इधर, फिर इधर, और फाइनली ये। सो दिस इज़ द रूट फॉर ए टू डी, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ, सर्किट की स्टैब्लिशमेंट। देन सेकंड इज डाटा ट्रांसफ़र। अब एक बार रूट स्टैब्लिश हो गया तो ए क्या करेगा, ए डाटा भेजना शुरू कर देगा इस रूट से। देन थर्ड इज जब डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया तो हम क्या करते हैं, हम फ़ोन रख देते हैं ना, अपना फ़ोन जो है ख़त्म, मतलब एंड करते हैं कॉल को। तो ऐसे ही कनेक्शन का डिसकनेक्शन या फिर सर्किट डिसकनेक्शन। ठीक है, सो ये पूरा सर्किट स्विचिंग के बारे में था, जिसमें हमने देखा कि सर्किट स्विचिंग कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, कोई डाटा फ्लो में डिले नहीं होता है, और इसका सबसे बढ़िया एडवांटेज है टेलीफोन सिस्टम्स। और एक इसका ये बेसिक सा डायग्राम है सर्किट स्विचिंग का, सो आप इस डायग्राम को भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ स्विचिंग इज मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग को सर्किट और पैकेट स्विचिंग के इंटरमीडिएट के तौर पे देखा जाता है। सबसे पहली बात तो क्या है कि इसमें कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता, तो डेडिकेटेड पाथ नहीं है तो बेसिकली ये क्या हो गया, देर इज नो डेडिकेटेड पाथ। ठीक है, इन दिस द ईच मैसेज इज ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, कि हर मैसेज को एक अलग यूनिट की तरह देखा जाता है, जिसका अपना एक डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस भी होता है। ठीक है, हर मैसेज का अपना एक डेस्टिनेशन और एक सोर्स एड्रेस होता है इसमें। अब इसको हम स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी बोलते हैं, और ये क्यों बोलते हैं मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। सो फॉर द टाइम बींग आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट, बट इट इज़ कॉल्ड एज स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। देन द थर्ड पॉइंट इज दैट इट हैज़ एन एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट इसमें एफिशिएंटली होता है, नेटवर्क ट्रैफिक कंजेशन कम होता है, बट देर इज सम डिले, देर इज सम डिले ड्यू टू स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग, कि मैसेज की ट्रांसफ़र में कुछ डिले होता है ड्यू टू स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग। और क्योंकि हम मैसेज को स्टोर कर रहे हैं हर इंटरमीडिएट स्टेज के ऊपर, तो लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी की भी ज़रूरत होती है। तो आखिरी के दो हमारे डिसएडवांटेजेस हो गए मैसेज स्विचिंग के। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट जहाँ पे मैंने कहा था कि इसको हम स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग नेटवर्क भी बोलते हैं। तो देखो अब ये होता कैसे है, सपोज हम एक बनाते हैं, कुछ सिस्टम्स बनाते हैं, लेट अस से एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है मेरे पास बी, यहाँ पे हमारे पास पूरा कम्युनिकेशन मीडियम है, एक सिस्टम है यहाँ पे सी, एक सिस्टम है यहाँ पे डी, और ए को कोई मैसेज डी तक भेजना है, बी को कोई मैसेज सी तक भेजना है। एंड लेट अस से ए इज सेंडिंग मैसेज एम वन टू डी,
और बी एक मैसेज एम टू भेज रहे हैं सी तक। अब यहाँ पे हर स्टेज पे कुछ डिवाइसेस होती हैं जो मैसेज को रिसीव करती हैं और नेक्स्ट पोर्ट तक भेजती हैं। सपोज डिवाइस एक यहाँ पे ये है, एक डिवाइस ये बना लेते हैं सिंपल, एक डिवाइस ये है हमारे पास और एक डिवाइस ये है हमारे पास। और रूट कुछ ऐसा होगा, मैसेज पहले यहाँ पे जाएगा, इसके बाद M1 मैसेज यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा और फाइनली D तक जाएगा। ठीक है, सो M1 एंड फाइनली M1। और ऐसे ही जो B वाला मैसेज है पहले यहाँ पे जाएगा, इसके बाद हम डायरेक्टली इसको सपोज एक रूट हमारे पास यहाँ पे भेजने का, सो M2 और फाइनली यहाँ से ये M2। ठीक है, सो ये तो एक मैसेज स्विचिंग का डायग्राम है। अब इसमें देखते हैं कि हमारा स्टोर एर फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है। अब हमने क्या कहा इनिशियली कि जो इसमें पूरा मैसेज एक यूनिट की तरह ट्रीट होता है। सपोज M1 मैसेज के अंदर ये कुछ बिट्स हैं, तो क्या होगा इस वाली स्टेज के ऊपर भी ये पूरा मैसेज को स्टोर करेगा, ऐसा नहीं कि पार्शियल मैसेज को स्टोर कर लेगा। तो पहले ये पूरा मैसेज को स्टोर करेगा अपने अपनी स्टोरिंग कैपेसिटी के अंदर, इसको बफर करेगा। सो इट स्टोर एंड फॉरवर्ड, पहले स्टोर करेगा फिर फॉरवर्ड करेगा आगे नेक्स्ट हॉप तक। और नेक्स्ट हॉप पे कब फॉरवर्ड करेगा, जब नेक्स्ट हॉप के पास इनफ स्टोरेज स्पेस होगा कि वो इस पूरे मैसेज को स्टोर कर सके। ऐसे यहाँ पे भी स्टोर करेगा फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पे भी स्टोर करेगा फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पे भी स्टोर करेगा फॉरवर्ड करेगा। अब देखो इसमें डिले कहाँ पे आएगा। सपोज ए ने मैसेज भेजना पहले शुरू कर दिया, तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे इस वाली इस डिवाइस के ऊपर M1 मैसेज स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर है कि M1 मैसेज यहाँ पे है। अब बी को भी मैसेज भेजना है, बी को भी इसी डिवाइस को भेजना है M2, बट क्योंकि M1 यहाँ पे पहले से ही है तो बी को वेट करना पड़ेगा, कुछ डिले होगा जब तक कि ये पूरा मैसेज यहाँ पे ना आ जाए। क्योंकि जब मैसेज यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये स्पेस जो है वो वैकेंट हो जाएगा और फिर M2 मैसेज यहाँ पे आ सकता है। सो इस तरह से कुछ डिले होता है मैसेज स्विचिंग के अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ मैसेज स्विचिंग। अब इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम देख चुके हैं कि इसमें डिले होता है। ठीक है, सो दिस इज़ मैसेज स्विचिंग। और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैसेज स्विचिंग का, वो होता है टेलीग्राफ नेटवर्क्स के अंदर। सो आप इसमें लिख सकते हो दैट इट इज़ यूज्ड कॉमनली इन टेलीग्राफ नेटवर्क्स। ठीक है, सो दिस इज द फिगर फॉर मैसेज स्विचिंग। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये जरूर एक्सप्लेन करना है कि हर जो इंटरमीडिएट डिवाइस होती है स्विच होता है वो पूरे मैसेज को पहले स्टोर करता है और नेक्स्ट स्विच के पास है नेक्स्ट डिवाइस के पास तभी फॉरवर्ड करता है जब नेक्स्ट डिवाइस के अंदर इनफ स्पेस हो। ठीक है, द थर्ड टाइप ऑफ स्विचिंग इज पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो मैसेज होता है उसको छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर ब्रेक कर दिया जाता है और जो इंडिविजुअल पैकेट्स हैं वो अलग अलग रूट्स ले सकते हैं डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। सो इन दिस द मैसेजेस आर ब्रोकन अप इनटू पैकेट्स। तो जो डिसएडवांटेज मैसेज स्विचिंग का था कि उसमें कंप्लीट मैसेज जा रहा था, यहाँ पे हम क्या करते हैं मैसेज को पैकेट्स के अंदर तोड़ देते हैं एंड इंडिविजुअल पैकेट्स टेक डिफरेंट रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहला तो एडवांटेज है कि जो बैंडविड्थ है वो रिड्यूस कर देते हैं हम, रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इट्स रिड्यूस्ड, क्योंकि अब हम मैसेज को पैकेट्स के अंदर ब्रेक कर रहे हैं। सो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ रिड्यूसेस। और जो इसका सेकेंड एडवांटेज है वो ये है कि इन केस ऑफ नेटवर्क फेलियर डिफरेंट रूट कैन बी चूजन फॉर द रिमेनिंग पैकेट्स। सो इन लिंक फेलियर डिफरेंट रूट कैन बी चूजन
फॉर रिमेनिंग पैकेट्स। तो ऐसा नहीं होगा कि जो बाकी के पैकेट्स हैं वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे बट उनका जो रूट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज पैकेट स्विचिंग। नाउ देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग। फर्स्ट इज डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग एंड द सेकेंड इज वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। तो दोनों के बीच में का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग होती है उसमें एक लॉजिकल कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश करते हैं बिफोर सेंडिंग द पैकेट्स, और जितने भी पैकेट्स हैं वो सब उसी लॉजिकल कनेक्शन के थ्रू जाते हैं। तो इसमें जो होता है सारे पैकेट्स एक ही रूट लेते हैं और उस लॉजिकल कनेक्शन को हम बोलते हैं वर्चुअल सर्किट। सो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है और जो डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग है वो कनेक्शन लेस होती है। नाउ लेट्स सी द डायग्राम ऑफ डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग के एक्चुअल में ये होता कैसे है। मैसेज को तो हमने डिवाइड कर दिया स्ट्रीम ऑफ पैकेट्स, और एक स्ट्रीम ऑफ पैकेट या पैकेट को हम डेटाग्राम बोलते हैं यूनिट लेवल पे। तो कुछ डिवाइसेस बनाते हैं, सपोज एक डिवाइस है ए, देन वी हैव दिस बी, यहाँ पे बीच में हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल है, कम्युनिकेशन मीडियम है, सी एंड डी, ठीक है। और ए को एक पैकेट भेजना है, ए वांट्स टू सेंड मैसेज टू डी। अब सबसे पहली बात तो क्या है कि मैसेज को हम छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर तोड़ देंगे, और पैकेट स्विचिंग में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जितने भी पैकेट्स होते हैं उनकी एक सीक्वेंसिंग निर्धारित की जाती है, तय की जाती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अगर एक पैकेट एक मैसेज को तीन पैकेट्स के अंदर तोड़ा और हमने उनकी सीक्वेंस लिख दी कि पहले की दो सीक्वेंस नंबर, दूसरे की दो और तीसरे की तीन, ठीक है। तो ये और ये हमने इनकी सीक्वेंस रेडी कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ राउटर्स होंगे, स्विच होंगे, सपोज हम यहाँ पे बना देते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट डिफरेंट रूट ले सकते हैं डी तक पहुँचने के लिए। तो सपोज मैं कुछ ऐप पे बना रहा हूँ कि जो पैकेट नंबर वन था वो इस रूट से गया और सबसे पहले पैकेट नंबर वन पहुँच गया, तो यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा वन। उसके बाद पैकेट नंबर टू गया, पैकेट नंबर टू ने कुछ ज़्यादा बड़ा रूट ले लिया, सपोज और पैकेट नंबर थ्री भी चला एंड पैकेट नंबर थ्री ने सबसे छोटा रूट लिया और टू से पहले पहुंच गया। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एक एग्जम्पशंस ले रहा हूं, ठीक है। सो पैकेट नंबर थ्री भी पहुंच गया, तो हो सकता है कि पैकेट नंबर थ्री पैकेट नंबर टू से पहले पहुंचे, तो ये रिसीव पैकेट हुआ। बट क्योंकि हमें सीक्वेंस नंबर पता है, रिसीविंग साइड पर रीअसेंबली ऑफ पैकेट्स होता है, रीअसेंबली ऑफ पैकेट्स, और एक प्रॉपर सीक्वेंस नंबर में पैकेट्स को रीअसेंबल कर दिया जाता है कुछ इस तरह से, तो फिर हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन पे एक ओरिजिनल मैसेज मिल जाता है। सो ये एक डायग्राम है जिसको हम कह सकते हैं दैट इट इज़ अ डायग्राम ऑफ पैकेट स्विचिंग। ठीक है, अब इस पैकेट स्विचिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टोटल पैकेट स्विचिंग की लिखी हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है, और दूसरा एडवांटेज ये ट्रांसमिशन डिले को कम कर देता है। बट इसके दो डिसएडवांटेज क्या हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ रैम की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम यहाँ पे पैकेट्स को ब्रेक भी कर रहे हैं और पैकेट्स को रिसीविंग साइड पे रीअसेंबल भी कर रहे हैं, एंड देन प्रोसेसिंग पावर की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पैकेट स्विचिंग। सो बेसिकली हमने इस वीडियो लेक्चर में तीन टाइप की स्विचिंग देखी, सर्किट स्विचिंग जिसमें एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है टेलीफोन नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है, देन हमने देखी मैसेज स्विचिंग जो टेलीग्राफ नेटवर्क्स के लिए यूज़ होती है, कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं बनाते हैं
देन हमने देखी पैकेट स्विचिंग, जिसमें हमने देखे कि मैसेज को हम छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर ब्रेक करते हैं और डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट रूट ले सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस नंबर हम उनको रिसीविंग साइड पे रीअसेंबल करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।